तुम लोग फिर भी पता है बहुत प्यारे लोग हो यार, जैसे मतलब इतना रिस्पॉन्स कर रहे हो, इतने अच्छे से बात बात करते हो। हम लोग को आया था गुड़गांव में परफॉर्म करने की वही तो ये बहुत थैंक यू यहाँ पे लोग अच्छे, इन्होंने मुझे बता दिया ये चंडीगढ़ है, नहीं मैं उतरते ही जुगनू बुक कर लेता सिकंदरपुर का कि चलो भाई वाह मेरा दोस्त इतना इंटेलेक्चुअल जो तुम हो। मैं क्या बता रहा था, देखो गुड़गांव के लोगों में सर आप फिर भी बहुत प्यार से बात करते हो, गुड़गांव के लोग बहुत बदतमीज हैं। हाँ हाँ, और गुड़गांव के बुड्ढों में इतना एटीट्यूड आया हुआ है, इतना एटीट्यूड आया कि बिना देखो 4-5 साल की जिंदगी बची है फिर फालतू बोलेंगे। मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, उनको हर टाइम मुझे तंग करना होता। मैं उस दिन इतना बढ़िया मौसम था, मैं घर से बाहर निकला, मुझे बोले बेटा इधर आओ। मैंने अंकल, कह रहे तुम्हें पता है अब हम व्हाट्सएप पे दूसरे की भी डीपी चेंज कर सकते हैं। मैं कहा अंकल ये पॉसिबल नहीं है। कह रहे अरे अब कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा मेरी करके दिखाओ। कहता ला अपना फोन दिखा। मैं उस दिन ओम स्वीट्स गया हुआ था, मैंने मेन्यू देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने वेटर को बुला लिया। मैंने भैया ये बेदमी पूरी और अमृतसरी पूरी इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कहता है ये दोनों ही नहीं है। यार ये तो सिमिलैरिटी होगी ना, एटीट्यूड किस बात का दे रहा है इसमें तू? एनी डॉग लवर्स इन द हाउस? डॉग लवर्स सारे कुत्ते ही आए हुए हैं क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। देखो मेरा बचपन से मन था कुत्ता अडॉप्ट करने का, तो मैंने हमेशा मम्मी से पूछता था जब छोटा सा, मम्मी कुत्ता अडॉप्ट कर लें। पर मम्मी का वही घिसा पिटा जवाब कि तू है तो सही। भाई फिर मेरा भाई पैदा हो गया, मैं कहा पूछ लेते हैं मम्मी अब कुत्ता अडॉप्ट कर लें करिए, अब तो सुअर भी आ गया घर में, सारे जानवर मुझसे ही पलवाओगे क्या? पर मुझे अब लगा कि अब मैं जब खुद से केयर कर सकता हूँ तो अब क्यों ना अडॉप्ट किया जाए। फिर मुझे लगा यार कौन सा ब्रीड लें, तो मैं कहा इधर उधर पूछने की बजाय ना लोगों के घर जाके देख लेते हैं कि कौन कौन सा ब्रीड होता है। तो मैं ऐसे एक दोस्त के घर गया, वहां जाके मैंने देखा लैब्राडोर सबने देखा है वो, तो जो पुरानी जैकी श्रॉफ की मूवी में बिना बात में मर जाया करता था कोई काम नहीं उसका। मैं दूसरे घर गया, वहां भी लैब्राडोर। मैं ऐसे 10 घर में चला गया उस दिन, हर जगह लैब्राडोर। मैं भैंस की आंखी, कुत्ता है स्विफ्ट है, हर जगह यही है यार। फिर मुझे लगा ये तो नहीं लेना, मैं लूंगा कोई खूंखार सा कुत्ता जिससे लोग डरे। और फिर मैंने बहुत सोच समझ के लिया पग। पग देखा आप लोगों ने, अरे कैसा मायूस कुत्ता है यार ये ऐसा है अगर आप गेट खोल के किसी घर में देख लो, देखते रहते आज तो इस घर में कोई मौत हुई है पक्का। और जब मैंने लिया तो मुझे उसने बताया कि ये थेरेपी डॉग है। मैंने कहा मतलब? कह रहे इससे डिप्रेशन नहीं होता। मैं कहा इसका डिप्रेशन तो दूर कर, पहले इसकी शक्ल देखे एक बार यार, 5 मिनट इसको देखो, ब्लेड खुद चल के नस की तरफ आ जाएगा सारे मरब। और ऐसे ऐसे डिप्रेस कुत्ते को वोडाफोन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, देखा तुमने? 2 साल तक वोडाफोन ने एड्स चलाई है इस पे। दो साल तक वोडाफोन ने ऐड चलाई है उसमें, देखा? और एक चीज आप नोटिस करेगी, वोडाफोन की ऐड से जैसे ही वो कुत्ता गया, वोडाफोन का नेटवर्क भी चला गया, सारी सिम चमा के भाग गया हो। वोडाफोन में इतना कॉन्फिडेंस आया, वोडाफोन का सुबह मेरे पास मैसेज आया कि अब 384 रुपीज में 1.8 GB इंटरनेट पर डे फॉर 84 डेज, 200 रुपए कैशबैक और 3 महीने का अमेजोन प्राइम फ्री। मैं बहस के थोड़ा सा नेटवर्क भी दे दो, कैसे यूज करेंगे इन सब शक्तियों का? यार आवाज ही नहीं आती वोडाफोन में, मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया, हेलो, कह रहे आवाज नहीं आ रही। मैं कहा तुम्हें भी नहीं आ रही तो बंदा किसको बताएगा अब? वोडाफोन में सिर्फ उस टाइम आवाज आई, पूछते ना भाई आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अब नहीं आ रही है कसम। वोडाफोन की तरह ये कुत्ता भी यूजलेस है। मान लो अगर आपके घर में चोर आ जाए, आपका कुत्ता मिनिमम से मिनिमम क्या करेगा? भौंकेगा। मेरे घर में चोर है, मैं सबसे पहले इसे छुपा लेता हूँ कि तू चुप जा भाई, घर में सबसे महंगी चीज यही है मेरे। और कुत्तों का काम तो डराना हुआ करता ना, इतना डरपोक है, अरे पूरे कुत्तों का डर इसने अकेले लिया हुआ है। ये इतना घबराता है, एक बार शीशे के पास से निकला, इसने अपनी शक्ल देख ली, 2 दिन उस कमरे में नहीं गया। एक बार डर के भाग रहा था, मैंने पीछे देखा इसके मच्छर उड़ रहा था इसके पीछे, इतना क्यों डर रहा है यार? और इतना आलसी, कुत्ते थोड़ा बहुत एक्टिव होते हैं, इतना आलसी है सिर्फ पड़ा रहता है, 15-15 घंटे सोता है यार ये।
दो तीन बार तो मुझे लगा ये मर गया, मैं इतना घबरा गया था। पर एक बार इसने दो दिन खाना नहीं खाया, तब मुझे डाउट हो गया। मैंने कहा बीमार है, क्योंकि देखो फैमिली मेंबर तो बन ही जाता है ना, मेरे को बहुत डर लग गया खाना नहीं खा रहा है, कोई दिक्कत हो। मैं डॉक्टर के पास ले गया, मैं डॉक्टर साहब ना इसे चेक करो है, पूरा टेस्ट वेस्ट करो, खाना क्यों नहीं खा रहा, मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो उन्होंने ऐसे पूरा टेस्ट करा और फिर बोला कि ये इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि इसका चबाने का मन नहीं हो रहा। मैंने कहा तो क्या सजेस्ट करते हो, इसे स्मूच करके खिलाया जाए अब? कह रहे तुम इसे सुबह पार्क में ले जाओ, सुबह पार्क में थोड़ा खिलाओगे कुदाओगे ना, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं नेक्स्ट डे सुबह पहली बार 5 बजे उठा, इसे पार्क ले गया। फिर मेरे पास एक बॉल थी, मैंने बॉल फेंकी बहुत दूर, अब मैं बॉल देख रहा हूं, ये भी बॉल देख रहा है, अब हम दोनों आराम से बॉल देख रहे हैं। 5 मिनट बाद मैंने इसकी तरफ देखा, ये अब तक बॉल देख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं से पता तो है कि हम दोनों में कुत्ता यही है, पर जाएगा नहीं बॉल। इसके आने से मेरी जिंदगी इतनी खराब, एक चीज मेरी जिंदगी में अच्छी हुई इसके आने से, जो हुई है कि मेरे ऑफिस में एक बहुत खूबसूरत लड़की है, वो किसी से बात नहीं करती। ज्यादा खूबसूरत होती है लड़की में बहुत एटीट्यूड आ जाता है ना, देख कैसे शर्मा गया, मेरे से तो वैसे भी नहीं करती। बैठे बैठे अलग से वाइब बोल दे रहा है आगे से ये। वो किसी से बात नहीं करती थी बेटा। और रिसेंटली उसने अपने कुत्ते की बर्थडे पार्टी रखी, जिसमें उसने पूरे ऑफिस में से सिर्फ मुझे इनवाइट किया। तो मैं बहुत खुश था यार कि भाई वाह, पर तुम्हारे जैसे दोस्त भी आके पूछ रहे कि सिर्फ तू जा रहा है, बाकी कुत्तों को भी बुलाया गया है। मैंने कहा यार तू फूकता रहे भाई, क्योंकि मुझे था कि देखो क्या होगा, मतलब कुत्ते की बर्थडे पार्टी तो बस बहाना है, वहां पे यार लोग होंगे, थोड़ा सा कनेक्शन बनेगा, बातें बातें होंगी, क्या ही एक्सट्रीम होगा कुत्ते की बर्थडे पार्टी में, नॉर्मल बर्थडे पार्टी होगी। और टू माई सरप्राइज, जैसे ही मैंने उसका घर का गेट खोला, वहां म्यूजिक चल रहा था, भौ 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 भौ। अब पेडिग्री का 5 किलो का हड्डी शेप का केक मंगाया हुआ था यार, और हर कुत्ते को पता कपड़े बनाए हुए थे। चलो कपड़े, पहली बात तो यार कुत्तों को कपड़े नहीं बनाने चाहिए, वो हर वेदर अपने आप झेल लेंगे, ठीक है, हर कुत्ते को कपड़े, इतना रईस माहौल था, कपड़े फिर भी ठीक है, वहां पे ज्वेलरी बनाई हुई थी हर कुत्ते को। मेरा तब दिमाग तब फटा मेरा जब एक लड़की ने कुत्ते को क्रॉप टॉप पहनाया हुआ था। मैंने कहा यार ये नहीं करना था, ये बहुत ज्यादा, और ऐसे रईस माहौल में पहली बार ये मुझे 7 साल में नंगा लगा है। यार तू भी कुछ पहना था भाई आज। मैं इतना घबरा गया, मैंने जेब से रुमाल निकाले, इसे घूंघट ढक दिया, मैंने तू ये सब मत देख प्लीज। फिर जब मुझे इतना बुरा लगा तो इसको कितना बुरा लगा, फिर हम दोनों की नजरें मिली, फिर ये मेरी तरफ देख के बोला कि फिर तू एक्सपेक्ट करता है कि तू बॉल फेंके और मैं बॉल भी जाके ले आऊं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग एन अमेजिंग ऑडियंस। Guys for watching the complete video. This video is really really close to my heart. Thank you so much. आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे साथ Instagram पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने यहीं कहीं Instagram हैंडल डाला हुआ है, आप लोग वहाँ पे आके कनेक्ट कर लीजिए। और दिल्ली NCR और नियर बाई सिटीज लाइक जयपुर चंडीगढ़, यहाँ पे अभी कुछ शोज डाल रहा हूँ, उनका टिकट लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप टिकट बुक कर लीजिए और शो में फिर हम लोग मिलेंगे। और एक और आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक गूगल फॉर्म डाला है मैंने, उसमें आप लोग अपनी डिटेल्स डाल दीजिए ताकि हम लोग को आगे फ्यूचर शोज प्लान करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस, इट रियली मींस अ लॉट। थैंक यू।